हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, इंडियन पैसेंजर का मार्केट बहुत ही डायनामिक है, स्टिल वेरी कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम, और उसका इफेक्ट देखने को मिला जब ग्लोबल ऑटो लीडर्स शेल शॉक्ड हो गए इंडियन मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ जनरल मोटर्स, फोर्ड, हार्ले डेविडसन, जो बड़े बड़े नाम थे इंडियन मार्केट में, साइटिंग लो सेल्स, साइटिंग लॉसेस, दे ऑल क्विट इंडियन मार्केट। अब कंज्यूमर्स जो उन्होंने पैसा लगाया था, उनके तो व्हीकल्स की रीसेल वैल्यू पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, प्लस आफ्टर सेल्स के अंदर भी उनको कई बार दिक्कत महसूस हो रही है। तो एक बात है, और इसलिए जो वर्तमान में कार बायर्स हैं पैसेंजर कार सेगमेंट में स्पेशली, उनके मन में अप्रिहेंशन तो चल रही है, भाई ऐसी तो कोई कंपनी नहीं है जो इंडियन मार्केट में छोड़ के जाने वाली है। तो साहब, इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने कुछ रियलिटीज़, कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल दो इन नो वे I am stating that these are the companies who are going to leave Indian market. Let me disclaim you that thing. I am only going to state you the financial position of these manufacturers, about the sales of the company, about the products they have discontinued, ताकि आपको एक aspect, एक पहलू और भी पता हो। Start करता हूँ Renault India के बारे में। Renault India is into losses for the last 5 years continuously. आप फाइनेंशियल पोजीशन चेक करिए, 186 करोड़ का नुकसान हुआ है लेटेस्ट 2021 फाइनेंशियल ईयर में। उससे पहले 1100 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 278 करोड़, 850 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 360 करोड़ इन 16-17। हालांकि अच्छी बात यह है, 2021 फाइनेंशियल ईयर में द लॉसेस वर रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। अच्छी बात है, Renault इज वर्किंग एंड आई एम श्योर आने वाले समय में शायद प्रॉफिटेबल भी आ जाए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे अपने मॉडल्स पोर्टफोलियो से हटा दिए हैं। अब Renault की हिस्ट्री जान लीजिए इंडियन मार्केट में। पहले कोलियोज आती थी उनकी, स्काला आती थी, फ्लुएंस आती थी, पल्स आती थी, और कैप्चर आती थी, और लॉजी आती थी। ये सब कार्स उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, और सिग्नेचर डस्टर की प्रोडक्शन भी अब उन्होंने बंद कर दी है। वर्तमान में जो मॉडल्स हैं, दे आर जस्ट काइगर, क्विड एंड ट्राइबर। आई होप एंड ट्रूली होप Renault स्टेज इन द इंडियन मार्केट। जिस हिसाब से उन्होंने लॉसेस 80% कट करे हैं, मैं उम्मीद करूँ कि अब वो प्रॉफिट्स डिक्लेयर करें, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस दिखाई दे, एंड दे शुड डिक्लेयर सम इन्वेस्टमेंट कॉल्स ऑल्सो, ताकि नए प्रोडक्ट्स के बारे में, वो ज़रूरी है, ईवी के बारे में स्ट्रैटेजी लेके आएँ। लेकिन फाइनेंशियल पोजिशन तो साहब अभी 5 सालों की देखें तो उतनी बढ़िया नहीं है। निसान के बारे में बात करूँ साहब, निसान के बारे में बात करूँ, देखिए निसान इंडिया, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज RHS रीजन हेड सेल्स फॉर ICICI बैंक, 2010 की बात है। आई वाज ट्रेनिंग निसान शोरूम्स, बिकॉज उस टाइम में उनकी माइक्रा लॉन्च का प्लान था विद माय RMs। तो उस टाइम में उनकी एक्सट्रिल आती थी, उस टाइम में उनकी टियाना आती थी। निसान का एक अलग अपील थी कि अब वो मास मार्केट में आ रहे हैं माइक्रा में, लेकिन पिछले 12 साल के अंदर कहानी बहुत बदल गई है। दे हैव लॉन्च मैनी कार्स एंड सम ऑफ देम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिसकंटिन्यूड। एक्सट्रेल टियान तो गई, साथ में माइक्रा आई, फिर सनी आई, उसमें था कार नहीं, इट्स अ कार, बहुत ही बढ़िया स्पेस थी। डैट कार ऑल्सो बीन डिसकंटिन्यूड। इवाली आई, टेरानो आई, फिर डैटसन की कार्स भी थी, वो भी इन्होंने हाल फिलहाल में डिसकंटिन्यू कर दी। और किक्स की सेल आपको पता ही है, जस्ट कंपनी सेलिंग 2000 यूनिट्स जो लास्ट 1 साल में सेल हुई है, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक केवल 2000 गाड़ियाँ बिकी हैं। तो उनकी जो पूरा बैकिंग है सो मैग्नाइट पे है, और बड़ा मुश्किल समय है। मैग्नाइट की सेल्स भी आप देखेंगे, केवल 3000 गाड़ियों के आसपास एवरेज सेल है, 3000 से 3500 गाड़ियां बिक रही हैं महीने दर महीने। तो साहब, कुछ एक रियलिटी भी है जो भी आपको पता होना चाहिए। निसान के आप शोरूम्स पता करेंगे, मैक्सिमम सिंगल ओनर के ही एक, मतलब अब आप शोरूम का नेटवर्क चेक कर लीजिए, आपके शहर में कितने शोरूम्स हैं, उसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको। खैर, फिर बात करते हैं हम नंबर 3 मैन्युफैक्चर, विच इज़ होंडा कार्स इंडिया। बहुत ही एलीट कंपनी है, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं इंडियन मार्केट में, और सिल्वर जुबली बन चुकी है। लेकिन साहब, होंडा कार्स इंडिया भी परेशानी में है इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। मैं आपको बताया था साहब होंडा के लॉसेस के बारे में, 1588 सिया का लॉस है 2021 के अंदर, उससे पहले था 1680 करोड़ का नुकसान था 1920 के अंदर, और उससे पहले कंपनी प्रॉफिट में थी 2 साल 18-19 में, 17-18 में इसमें 1141 करोड़ का प्रॉफिट था, 17-18 में 490 करोड़ का प्रॉफिट था, और 16-17 नुकसान था, विच इज़ 2272 CR।
तो बड़े मेजर नुकसान में है होंडा कार्स इंडिया। अब देखिए सिटी के EH हाइब्रिड वर्जन को लेके आ रही है और बड़ा पेप है, लेकिन मेरे को जितना पता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी बातचीत होती है, उस पर भी हाइब्रिड कार्स पे 43-45% करीब टैक्स लगेगा। तो प्राइसिंग वुड बी वेरी स्टीप जस्ट फॉर द सेक ऑफ माइलेज। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कंपनी प्राइस कम करे, अच्छी कॉम्पिटिटिव रखे, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि ZX जो टॉप मॉडल होगा वो करीब करीब 17-18 लाख रुपए के बीच में एक शोरूम पे पहुंच जाएगा, विच इज़ जस्ट टू मच। तो होंडा कार्स इंडिया की कहानी ये है वर्तमान में, अमेज, सिटी, जैज, WRV, जिसमें जैज की जो सेल है इट इज़ नोवेयर एज कॉम्पिटिशन टू बलिनो, नोवेयर एज कॉम्पिटिशन टू i20, और WRV की सेल्स भी आपको क्या बताऊँ, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तो बिल्कुल बूम पे है, सोनेट में, वेन्यू में, ब्रेजा में, नेक्सॉन में, XUV300 में, वहाँ WRV। तो कहने का पॉइंट है बॉस, इट्स अ टफ टाइम विच इज़ गोइंग फॉर होंडा कार्स इंडिया, एंड समहाउ वो भी एक रियलिटी है कि भाई कंपनी इज इनटू लॉसेस। फिर बात करते हैं कि इंडियन कार मैन्युफैक्चरर के बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए, टाटा मोटर्स, एलीच, हमारी देसी ब्रांड जो इंडियन मार्केट में नए नए आयाम सेट कर रही है, सेल्स के मामले में निरंतर top 3 पे पायदान पे आ गई है, और किसी भी वक्त ह्यूंडई को भी पछाड़ सकती है, नए नए डिज़ाइन लैंग्वेज इम्प्रूव, लोगों के मन में सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन साहब टाटा मोटर्स की भी कहानी देखेंगे, पिछले 5 सालों के अंदर आप केवल एक बार प्रॉफिट में हैं और इट्स इनटू लॉसेस विद ट्यून ऑफ 2300 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच में। हालांकि इसमें डिस्क्लेमर है, टाटा मोटर्स का ये कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस है जो उसमें पैसेंजर कार सेक्शन है, कमर्शियल व्हीकल सेक्शन है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, साहब टाटा मोटर्स तो सेल्स बढ़िया हो रही है, व्हाई इज द कंपनी इन लॉसेस? तो जान लीजिए, द लॉसेस आर ड्यू टू द जैगुआर लैंड रोवर JLR के जो रिस्ट्रक्चरिंग के कारण वो कंपनी को लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। अदरवाइज जो इनका पैसेंजर व्हीकल डिवीजन जो डोमेस्टिक में सेल्स है, इट्स गोइंग वेरी गुड एंड द कंपनी इज एक्चुअली मेकिंग मनी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट बिकॉज ऑफ द JLR स्ट्रक्चर, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कारण जो उसमें करीब 15,000 करोड़ के आसपास की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ रही है, उसके कारण टाटा मोटर्स रेड में है। अदरवाइज JLR नहीं होती ना, आई एम टेलिंग यू, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक आज के 400 रुपये के आसपास है, वो शेयर 2-2500 रुपये का होता। तो ये बात है साहब। फिर बात करते हैं साहब जीप के बारे में, फिएट क्राइसलर इंडिया, फिएट के प्रोडक्ट्स तो इंडिया मार्केट में जो पहले आती थी उनकी पुंटो, एवेंचुरा, लीनिया, सब बंद हो चुकी हैं। फिएट का मल्टीजेट डीजल इंजन नहीं बिक रहा है। अब जो उनकी सेल्स हो रही है इस कंपनी थ्रू जीप कंपस और जीप की प्रीमियम रेंज रैंगलर, उन सब के थ्रू आ रही है, लेकिन कंपस की जो सेल्स है, जीप इंडिया की जो सेल्स है, जस्ट रनिंग 1000 यूनिट्स अ मंथ। तो एक सवाल है साहब, हालांकि कंपनी 1700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड दे आर नाउ कमिंग विद मेरिडियन 7-सीटर SUV, उसमें भी सेम इंजन है जो कंपस वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग व्हील बेस है, आई एम नॉट श्योर हाउ वुड कंज्यूमर्स गोइंग टू टेक इट अहेड, क्योंकि कंपस को भी बड़ा स्टिफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो एक सवाल है जीप के बारे में भी, देखिए इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नन ऑफ दीज कंपनीज आर गोइंग टू एग्जिट द इंडियन मार्केट, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पता होने चाहिए सेल्स के हिसाब से, क्या कंपनी लेके आ रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो वो भी एक आपके लिए अपडेट है। बाकी स्कोडा VW के बारे में बात करें, देखिए आप स्कोडा VW का रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी 2020 में एंड द कंपनी वॉज कॉल्ड स्कोडा ऑटो VW India लिमिटेड। पहले ग्लोबल लेवल पे VW पेरेंट कंपनी है, स्कोडा वॉज सब्सिडरी, बट इंडिया में स्कोडा इज टेकिंग द चार्ज। अब हम उससे बोलेंगे सर स्कोडा VW के बारे में, देखिए वो कई 1000 करोड़ की, 5-7 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो दे हैव लॉन्च रिसेंटली ऑलमोस्ट 4 कार्स, कुशाक, टाइगोन, स्लाविया, अब वर्टुस को लेके आ रहे हैं, उसके बाद और भी कार्स प्लान कर रहे हैं। तो दे आर पेपिंग टू इंडियन मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू क्विट इंडियन मार्केट इन द सेंस। लेकिन आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे स्कोडा VW के बारे में, तो देखिए मैं जितना आपको बता सकता हूँ डीलर शोरूम्स सर्विस के बारे में, जो मिस्टर जैक हॉलिस हैं फॉर स्कोडा इंडिया, आई थिंक इज़ अ मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटी, और जो उन्होंने सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कस्टमर सर्विस में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आई थिंक अगर आप मुझसे बोलेंगे स्कोडा VW के बारे में, आई वुड डेफिनेटली बुक स्कोडा एज अगेंस्ट VW इन द इंडियन मार्केट। तो ये कहानी ये है। बाकी आप मुझसे बोल करें किया के बारे में, तो साहब किया एक ऐसी कंपनी बन गई है, आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू रिवैम्प द इंडियन मार्केट।
पहले साल में ही 1100 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई है, दिखा दिया है कि प्रॉफिट लाना इंडियन मार्केट में मुश्किल नहीं है इफ दे कैन लॉन्च राइट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग फीचर्स, चलाने में रिफाइनमेंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, और सेफ्टी पे सवाल था। कंपनी रिवैम्प कर रही है, सोनेट में 4 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, सेल्टॉस में 4 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, और कारेंस में 6 एयरबैग, ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब आता ही है, ESP ट्रैक्शन कंट्रोल सोनेट में भी सेल्टॉस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो एक सेफ्टी के लिए लोगों को जो मन में धारणा थी उसको भी अब एड्रेस कर रहे हैं। सो वेरी गुड टू द पार्ट ऑफ किया। मारुति प्रॉफिटेबल कंपनी है, ह्यूंडई प्रॉफिटेबल कंपनी है, महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, नॉट ओनली दे आर मेकिंग वेरी स्टाइलिश कार्स, वेरी फन टू ड्राइव कार्स, कंफर्ट ओरिएंटेड, इवन द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स ऑल्सो। थार पे वेटिंग चल रही है, एक्सिविशन डॉल में लंबी लंबी वेटिंग चल रही है, प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, सो महिंद्रा इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। लास्ट हम उसे टोयोटा के बारे में पूछें तो देखिए टोयोटा की कहानी क्या बताऊँ, वो जो सुजुकी के साथ मिलकर कर रहे हैं इंडियन मार्केट में तो अच्छा है, वो कंपनी की जैसे भी प्लान्स हैं, तो इनोवा कहीं नहीं जाने वाली है, फॉर्चुनर कहीं नहीं जाने वाली है, दीज आर द एवर ग्रीन कार्स, विल कंटिन्यू टू सेल, जितनी भी प्राइस बढ़ती रहे लोगों को वो कार्स एवर ग्रीन, एवर लास्ट, बिल्ट टू लास्ट, बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी है, वो बढ़िया बात है। लेकिन टोयोटा सुजुकी के अलायंस से जो वो रीबैच कार्स लेके आ रहे हैं वो भी बढ़िया बात है कि भाई शोरूम्स के यहाँ गाड़ियाँ बिक रही हैं एंड दे आर मेकिंग मनी, जो उनका एग्रीमेंट अलायंस है, और टोयोटा सुजुकी मिलके अब एक अगली कार लेके आने वाले हैं मिड एसयूवी सेगमेंट में, जिसको कम्पीट अगेंस्ट क्रेटा एंड सेल्टॉस, तो साहब टोयोटा भी इंडियन मार्केट में सस्टेन करेगी। तो ये एक अपडेट है आपके लिए, और डायनेमिक बहुत है इंडियन पैसेंजर का मार्केट। बाकी आप लोगों को ऑलवेज एम्पावर करने के लिए माई कार हेल्पलाइन कॉमेडी ग्रुप्स अवेलेबल है। आप कोई भी कार प्लान कर रहे हैं, रेनो की, निसान की, VW की, स्कोडा की, मारुति की, ह्यूंडई की, होंडा की, माई कार हेल्पलाइन कॉमेडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। बायर से, ओनर से इंटरेक्ट करिए, आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन समथिंग। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम, और वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप वोट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और माई कार हेल्पलाइन चैनल पे सब्सक्राइब अब तक नहीं कर रखा दबा दीजिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।